अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि ज़ेर ज़मीन पानी सूखता जा रहा है। बच्चों पानी तमाम जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस्म की सफाई के लिए, घर की सफाई के लिए, तामीरात के लिए, पकवान के लिए, कारखानों के लिए और दीगर बहुत सारे कामों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चों पानी बहुत ज़रूरी होने की वजह से यहाँ पर पानी के बहुत बड़े मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। पानी की किल्लत बड़े पैमाने पर हो रही है। बारिश का मौसम खत्म होते ही नदियाँ आहिस्ता आहिस्ता सूखते जाती है, कुएं का पानी भी बहुत कम होता जाता है और ये पानी मार्च महीने तक काफ़ी होता है। इसके बाद बहुत सारे देहातों में और बहुत सारे शहरों में पानी की किल्लत बढ़ जाती है। बच्चों हमने पिछले वीडियो में आबादी में इजाफा किस तरह माहौल को मुतासिर करता है इस बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। तो बच्चों आबादी में इजाफे की वजह से पानी की किल्लत भी बड़े पैमाने पर होती है। बच्चों बारिश का मौसम में जो बारिश होती है वो पहले जितनी ही होती है, लेकिन आबादी मुसलसल बढ़ती जा रही है, आबादी में इजाफे की वजह से वो पानी जो है बारिश का पानी नाकाफी होता है, पानी बह जाता है, जिसकी वजह से आजकल उसे रोकने के लिए बहुत सारे बंद तामीर किए जा रहे हैं। कुछ लोग कुएं खोदने की बजाय बोरवेल खोद रहे हैं, साथ ही साथ हैंडपंप का इस्तेमाल भी बहुत होने लगा है, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी बड़े पैमाने पर निकल रहा है और पानी की मिकदार ज़मीन के नीचे कम हो रही है। बच्चों ज़ेरे ज़मीन पानी को निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल किया जाता है और पंप में भी बहुत तरक्की हो गई है। डीजल से चलने वाले पंप और साथ ही साथ बिजली से चलने वाले पंप भी दरियाफ्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से आसानी से कुएं और बोरवेल के जरिए पानी बड़ी मिकदार में निकाला जा रहा है। आबादी में इजाफे की वजह से एक और मुश्किल मसला खड़ा हो गया है, वो है अनाज की तकसीम। बच्चों आबादी मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अनाज की किल्लत भी शुरू हो गई है। इसको देखते हुए साइंसदानों ने काश्तकारी के नए नए तरीके दरियाफ्त किए हैं। जदीद काश्तकारी की वजह से पहले किसान साल में एक फसल हासिल करता था, लेकिन आज तीन फसलें हासिल करना मुमकिन हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे लिए अनाज की किल्लत का मसला कुछ हद तक दूर हुआ है। लेकिन बच्चों पहले पुराने ज़माने में या कुछ सालों पहले ज़रात के लिए पानी साल में एक फसल हासिल करने के लिए जितना पानी लगता था, आज वही पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़रूरी है। दो से तीन बार फसलें किसान हासिल कर रहा है, जिसकी वजह से ज़राअत के लिए पानी की बड़े पैमाने पर मांग बढ़ गई है। तो बच्चों इस तरह से आबादी में मुसलसल इजाफे की वजह से लोगों की ज़रूरियात बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से पानी की बहुत सारी किल्लत हो चुकी है।